नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक प्रोफाइल आइकॉन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया गया है। अगर आप प्ले स्टोर पर किसी भी ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि उस ऐप को हम अपने मोबाइल के डाटा या हम वाईफाई दोनों में से हम किसी से भी कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ओवर एनी नेटवर्क पे क्लिक करके रखना है। अगर आप चाहते हैं कि हम जब भी प्ले स्टोर ओपन करें तो उससे कोई भी ऐप हमको डाउनलोड करना हो तो वह केवल वाईफाई से डाउनलोड हो, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक थर्ड नंबर में मिलता है आस्क मी एवरी टाइम। अगर आप जब भी कोई भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वहाँ पर हमसे पूछा जाए कि आप किस चीज़ के नेटवर्क का यूज करके आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करके वाईफाई से डाउनलोड करना हो तो उससे कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल के डाटा से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।